आज ही के दिन 1739 में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह और ईरान के नादिर शाह के बीच हुई संधि के परिणाम स्वरूप अफगानिस्तान भारत से अलग हुआ। 1926 में आज ही के दिन लेबनान में संविधान को अंगीकार किया गया। आज ही के दिन 1950 में ब्रिटेन में पेट्रोल खरीदने पर लगी सीमा को खत्म कर दिया गया। इससे पहले हर व्यक्ति को पेट्रोल खरीदने के लिए राशन कार्ड दिया जाता था। ऐसा सितंबर 1939 में दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत के दौरान किया गया, लेकिन इस राशन प्रक्रिया को युद्ध खत्म होने के बाद जारी रखने के फैसले का विरोध हुआ और आखिरकार इसे खत्म कर दिया गया। आज ही के दिन 1957 में बंबई में जनता बीमा पॉलिसी की शुरुआत हुई। आज ही के दिन 1986 में हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कथाकार गीतकार एवं समीक्षक श्रीकांत वर्मा का निधन हुआ। श्रीकांत वर्मा को मगध नामक कविता संग्रह के लिए मरणोपरांत 1987 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। आज ही के दिन 1987 में श्रीलंका ने जाफना में तमिल विद्रोहियों के खिलाफ अभियान छेड़ा। 1999 में आज ही के दिन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने भारत, जर्मनी और दक्षिण कोरिया के 3 उपग्रहों को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया। आज ही के दिन 1999 में सौरभ गांगुली और राहुल द्रविड़ ने वनडे क्रिकेट में 318 रनों की साझेदारी का विश्व रिकॉर्ड बनाया। 2006 में आज ही के दिन इंडोनेशिया के जावा में भूकंप के कारण 5700 से अधिक लोगों की मौत हो गई और लगभग 2,00,000 लोग बेघर हो गए। और आज ही के दिन 2014 में भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली।